देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में जारी सौंदर्यकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। राजनीतिक बयानबाजी के अलावा आज इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के साथ अन्य हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुँच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए व पैदल मोर्चा निकाला। दरअसल चांदनी चौक में सौंदर्यकरण का कार्य जारी है, जिसके लिए वहां मौजूद हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को वापस स्थापित करने का प्रबंध करे। वहीं पलटवार करते हुए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित MST ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के से बचने व अपने जनघ अपराध को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों को निशाने पर लिया है। वहीं हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मंदिर को दोबारा नहीं बनवाया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि हमको विदित है कि गत 3 जनवरी को दिल्ली सरकार के द्वारा एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक षड्यंत्र करके हमारे हनुमान लला के मंदिर को तोड़ दिया गया है। हम सबको विदित है कि 2016, 2018 और 2019 की रिलीजियस कमेटी की मीटिंग्स में ये कहा गया था कि इस मंदिर का एमलगेशन इसी जगह में होगा, क्योंकि वो उसका चबूतरा इतना बड़ा नहीं है जितना कि पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ अभी भी वहाँ पर है। मंदिर को हटाना ये बिल्कुल ही गलत काम हुआ है और इसके विरोध में हमने आज का रोष प्रदर्शन किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ की जन जन के साथ में, यहाँ के हिंदुओं की भावनाओं के साथ में इस मंदिर का एक अलग ही लगाव है। पिछले 47 वर्ष से हर रोज़ सुबह और शाम दर्शन करके हनुमान लल्ला के अपने काम करते थे, अपने घर को वापस जाते थे। आज उस संस्कृति चांदनी चौक की, उस हमारे धर्मपरायण हमारे बंधुओं के लिए एक बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है। हनुमान लला का मंदिर वहाँ पुनर्निर्माण हो, इस मांग के साथ आज हम यहाँ आए हैं। प्रशासन का रवैया अभी तक हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए कुछ ठीक है, पर यह है कि प्रशासन को झुकना पड़ेगा। जन जन का आक्रोश हमारे सामने है, इस आक्रोश के सामने उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। दिल्ली से BCN के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।